नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। बहराइच समाजवादी पार्टी महिला सभा के अध्यक्ष रेवू श्रीवास्तव का आगमन जनपद में हुआ। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर सभा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ वार्ता की और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष रेवू श्रीवास्तव ने कहा कि हम 2024 के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस बार भाजपा को शिकस्त देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी जान चुकी है कि भाजपा उनके लिए कोई काम नहीं करेगी। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण को जुमला बताते हुए कहा कि बिना जनगणना कराए भाजपा महिला आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, ये सब जुमला है। उनको ऐसा लगता है कि ये करके बीजेपी महिला वोट पा सकेगी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। बहराइच में पिछले दिनों में आई थी, तब हमने मन्नू देवी जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था और आज एक महीने बाद, लगभग एक दो महीने बाद यहाँ पर आने का मकसद है कि मन्नू देवी जी ने जो बहराइच में समाजवादी महिला सभा की कमेटी तैयार की है, शानदार कमेटी है। उन्होंने जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, नगर पालिका, नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी अपनी महिलाओं की एक बहुत मजबूत कमेटी तैयार की है और जिस तरह से महिलाएं एकदम पूरे जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के संगठन में शामिल होने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही हैं, उत्साहित दिखाई दे रही हैं, इससे महसूस हो रहा है कि महिलाएं आज वर्तमान सरकार की महंगाई से, वर्तमान सरकार की जो संवेदनहीनता है महिलाओं के प्रति, वर्तमान सरकार की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा किस तरह से फेल हो रहा है, इससे तंग आकर के आज महिलाएं समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं और पूरी उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो लेकर के समाजवादी पार्टी की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की ये तैयारी है कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार लाए। देश का कोई वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर तबका, हर धर्म, हर जाति के लोग परेशान हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी तबके से जुड़ी हो, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। जो महिला बीजेपी की जो भी बातें हैं शुरू से, जब वो सरकार में नहीं थे तब से जो वो बातें कर रहे हैं सरकार में आने के लिए, वो आने के बाद सब जुमलेबाज साबित हुई, जुमलेबाजी की बातें रही। चाहे वो 15,000 सबके खाते में आने वाली बात हो, 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां देने की बात हो बेरोजगारों को, या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, या बुनकरों का लोन माफ करने की बात हो, चाहे वो बिजली के बिल की समस्या आप ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह की बातें उनकी जुमलेबाजी वाली हैं। और उसी क्रम में इन्होंने महिला बिल का आज जो की बात उठाई है वो भी जुमलेबाजी है, जब वो बिना जनगणना के और बिना परिसीमन के जब लागू हो ही नहीं सकता है तो फिर ये बातें आज उठाने की क्या जरूरत थी। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इनके जुमलेबाजियां हैं और ये समझते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने उनको वोट दे करके जिताया, आज भी महिलाएं उनके जुमलेबाजी की बातों में फंस जाएंगी। लेकिन आज इतने सालों बाद जब दूसरी बार उनकी सरकार है तो महिलाएं पूरी अच्छी तरह से समझ गई हैं कि 5 किलो राशन देकर के उन्हें किस तरह से बेवकूफ बनाया गया, 5 किलो राशन देकर के उनके बच्चों का भविष्य किस तरह से खतरे में डाला गया, किस तरह से इस देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया गया, आज महिलाएं सब समझ रही हैं और पूरी तरह से इनकी जुमलेबाजी की बातों को समझ रही हैं। महिला आरक्षण बिल, हम भी महिलाओं, हमारी पार्टी भी महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन उसमें दलित महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को जब तक उसमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक यह आरक्षण बिल्कुल महिला विरोधी है। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।